3 फीट के ऊपर रोटरी है ये, 24 ब्लेड इसमें लगा हुआ है, रोटरी पीछे ऑपरेट होगी बड़े ट्रैक्टर की तरह। डीजल कंबेशन स्टॉक इंजन होता है, पेट्रोल फायर स्टॉक इंजन होता है, वो जलता है, तो माइलेज में ये ज्यादा थोड़ा देगा, वो थोड़ा कम देगा, लेकिन दोनों की हॉर्स पावर सेम रहेगी 18 HP। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पिंकी राहुल ब्लॉग पर। किसान भाइयों, आज हम आ पहुंचे हैं सूरत, गुजरात के अंदर में एक जगह पड़ती है महुआ। महुआ में इस टाइम पे हम खड़े हैं किसान भाइयों, और यहाँ की मिट्टी जो है बिल्कुल अलग तरीके से है, और यहाँ पे आप जो सामने पे देख पा रहे हैं फोर व्हील ड्राइव जो है पावर वीडर आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ आईमेक कंपनी के ऑनर मालिक डायरेक्टर साथ में है मिस्टर आईजे मिश्रा जी, इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया। ठीक है सर, बिल्कुल बढ़िया। कैसा चल रहा है सर किसानों के साथ? आप बहुत दिन से लग के काम कर रहे हैं किसानों के साथ ही, तो मिलके देखिए किसानों के कुछ सुझाव आते रहते हैं हमको। कुछ है, हम कभी ट्रेवलिंग में जाते हैं, किसानों के समस्याओं को देखते हैं, उन्हीं की वजह से उन्हीं के बदौलत तो कुछ प्रोडक्ट में सुधार होता है, कुछ नए प्रोडक्ट तैयार होते हैं किसानों से जुड़ने के बाद ही। तो आपको कुछ नई चीजें क्या बनानी चाहिए, क्या जरूरत है किसानों की, उन्हीं के ऊपर तो सब कुछ निर्भर है सर। किसान भाइयों, मैं आपको ये बता दूं कि पावर वीडर के जन्मदाता अगर कहें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पावर वीडर को लाने वाले इंडिया में सर ही हैं, जानकारी दीजिए सर इस। देखिए पावर वीडर सर क्या है कि पहले जो है, पहले छोटे छोटे टूल्स का मतलब इम्पोर्ट स्टार्ट हुआ जी, और हम मैन्युफैक्चर और इम्पोर्ट हमारा शुरू से ही काम रहा, इम्पोर्ट का काम था। हाँ, इम्पोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग जी। तो रेस्क्यू ऑपरेशनल आइटम भी इम्पोर्ट होते थे जो कि डिफेंस वगैरह में लगते थे, और इसमें आपके रेलवे वगैरह में ये सब चीजें में लगते थे। तो वहाँ हम विदेशों का भ्रमण करते करते वहाँ पर जो है हमको देखने को मिला कुछ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, हम उसको स्टार्ट किए, और मिनी ट्रैक्टर कॉन्सेप्ट में हम पहले से ही कुछ लोकल स्तरीय, स्टेट लेवल स्तरीय हम बनाते ही थे, ठीक है ना। तो उन सब चीजों में देखा विदेशों में जो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग लोग कर रहे थे, किसान कर रहे थे वहाँ का, लेकिन वहाँ की मिट्टी हमारी मिट्टी बहुत बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है बिल्कुल। तो फिर वहाँ पर कंसल्ट करके, कुछ हाई रेपुटेटेड कंपनियों के साथ कंसल्ट करके वहाँ से पार्ट्स लाना स्टार्ट किए, असेंबल करना स्टार्ट किए बिल्कुल सर। और उसके बाद जो है फिर बहुत बड़े मात्रा में, बल्क मात्रा में, करीब 15 मॉडल पावर वीडर के, वो बड़े बल्क मात्रा में आप वहाँ देख लीजिए मॉडल सारे खड़े हैं, बल्क मात्रा में हम उसको तैयार करना शुरू किए बिल्कुल। सर अगर हम बात करें इस पावर वीडर फोर व्हील ड्राइव की, इसके इंजन कितने HP का है और क्या क्वालिटी का है? देखिए जी, इसमें 18 HP का इंजन लगा हुआ है अभी। बहरहाल जो सामने खड़ा है इसमें डीजल 18 हॉर्स पावर BS6 जनरेटर का इंजन लगा हुआ है, और इसमें दो आता है पेट्रोल वेरियंट में, डीजल में भी। अच्छा, पेट्रोल में भी 18 HP का इंजन उसमें लगा हुआ रहेगा जी। अगर बात करें गियर वगैरह के प्रोविजन क्या कैसे दिए गए हैं सर? देखिए जी, अभी भारत में 4x4 आपने नाम तो सुना होगा, ठीक है ना, नाम जरूर सुना होगा 4x4 में कि भाई 4x4 पावर वीडर है, लेकिन वो 4x4 पावर वीडर है वो ऑलरेडी वीडर है और कोई काम का नहीं है। इसको पहिया निकाल के यहीं पर रोटरी डाल देंगे उसमें, बिल्कुल होता है, ये पहिया निकाल के यहाँ आयरन व्हील डाल देंगे, ये देखा ना बिल्कुल। तो फिर वो आगे ऐसे 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 डंप मारता हुआ ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है स्टीयरिंग, यहाँ बैठ के आदमी उसको चलाता है, पीछे आयरन व्हील पे हो जाएगा, आगे डायरेक्ट रोटरी हो जाएगी। वो एक्चुअल में वीडर को ही जुआर मार के इधर उधर कर दिया जाता है, वो प्रॉपर सक्सेस नहीं है। और कोई किसान लिया होगा, हमारे पास एक किसान आया था, मैं आपको दिखा दूंगा, वो उन्होंने भेजा है, वो साइकिल मोटरसाइकिल का पहिया लगा हुआ है, ठीक है ना, मोटरसाइकिल का पहिया लगा हुआ, पीछे 3-3 का कल्टीवेटर लगा, उसमें गोनी ला दो, मिट्टी रखो, रेत रखो, वो चलता नहीं, उन्होंने ही वो बुक किया है मिनी ट्रैक्टर। अच्छा, उन्होंने बोला कि साहब इसको हमको कूड़े में बेच देना, हमको ये मिनी ट्रैक्टर आप दे दीजिए, ठीक है ना। तो हम जो चीजें बनाएंगे वो किसानों को यूज आए, वीडियो यूनिक हो जाए, या फिर कोई हमको देखकर लाइक करे, उस झटके में हमको 100-150-200 मशीन का ऑर्डर लग जाए, वो हमारा मोटिव नहीं है। हम वही चीजें तैयार करेंगे, वही चीजें किसानों को रिकमेंड करेंगे, वो हमसे फोन करके मर जाए, पूछे भैया हमको साइकिल वाला चाहिए, ये चाहिए, हम सीधा ही ना बोल देते हैं कि वो चीज फंडा हमारे यहाँ नहीं है, हम वो चीज देंगे जो आपके इस्तेमाल में आए। अभी आपने सुना होगा पावर वीडर में 400 अटैचमेंट लगेगा, भैया कहाँ लगेगा 400 अटैचमेंट? वीडर हाथी कोई थोड़ी ना है, नहीं 400 अटैचमेंट लगेगा कहाँ? और 400 प्रकार का काम ही नहीं है हमारी मिट्टी में, बिल्कुल हमारे भारतीय मिट्टी में 400 प्रकार का काम ही नहीं, हमारे किसानों को बेवकूफ बनाया जाता है, वो सब चीजें नहीं है, वो सब बातें हम कहेंगे भी नहीं, किसी की बुराई भी नहीं करेंगे, हम सिंपल सी बात बता रहे हैं। हमारी कंपनी आईमेक कंपनी एग्रीकल्चर वही प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करेगी, वही प्रोडक्ट आपको देगी जो कि जीरो जमीनी स्तर पर जाकर आपके यहाँ कार्य करेगा। वह प्रोडक्ट हम बिल्कुल नहीं देंगे आपको कि जो सिर्फ दिखाकर आपको
अट्रैक्टिव करके आपको लूट लिया जाए, ये काम नहीं होगा हमारे। अच्छा सर, अगर बात करें रोटरी की, रोटरी किस क्वालिटी की है और साइज कितनी लेके चलेगी? 3 फीट के ऊपर रोटरी है ये, 24 ब्लेड इसमें लगा हुआ है। रोटरी पीछे ऑपरेट होगी बड़े ट्रैक्टर की तरह, जैसा कि आप किसान भाइयों ध्यान दीजिए 4x4 पावर वीडर बोलते हैं लोग, लेकिन वो टायर जो है निकालकर उसी में रोटरी डालते हैं, लेकिन इसका चारों टायर चलेगा, चारों खींचेगा, चारों का अलग अलग गियर है, पीछे का टायर का अलग गियर है, आगे का टायर का अलग गियर है, चारों टायर इसको खींचेगा, रोटरी पीछे चलेगी जैसे बड़े ट्रैक्टर में चलती है, 24 ब्लेड की रोटरी है। अच्छा 24 ब्लेड, हाँ जी। सर वेट लिफ्टिंग की बात करें ट्रॉली लगा के, हाँ जी, कितने क्विंटल वेट लिफ्टिंग हो जाएगी इसमें? देखिए हम 1500 kg से 1800 kg तक खींचने के लिए बोलते हैं, जिसमें आप सेफ रहिए, आगे से ट्रैक्टर उठ जाए, कहीं स्लिप कर जाए, आपको लग जाए खींचने का, तो 3000 खींच लेगा, 4000 खींच लेगा, लेकिन हम वो बिल्कुल नहीं, आपका एक रेपुटेटेड चैनल है उसपे हम किसानों को बिल्कुल गुमराह नहीं करेंगे। 1500 kg लगाइए, 2 फेरा मार लीजिए, सुरक्षित चलिए, सेफ रहिए, ये मेरा कहना होता है। दूसरी चीज कि इसका जो रोटरी है उसकी एक खास बात है, यह जुताई के साथ साथ आपके गन्ने में बेड मेकर का भी काम करेगा, बेड भी चलाएगा, क्योंकि इसको रिवर्स और फॉरवर्ड ये दोनों ही वर्क करेगा सिचुएशन में। सर अगर इस वीडर की बात करें हम, तो ये वीडर जो इंजन लगा हुआ है इस पे, हाँ जी, वो जैसे बताया आपने 18 HP लगा हुआ है, हाँ अगर फ्यूल की खपत की बात करें, क्या फ्यूल की खपत खींचता है? देखिए डीजल जो आपका है वो 1 लीटर फ्यूल खपत करेगा, 1 लीटर जो है घंटे में फ्यूल खाएगा, और पेट्रोल आपका 1.5 लीटर खाएगा, 1.5 लीटर के अंदर ही रहेगा, क्योंकि पेट्रोल जो है वो अत्यंत ज्वलनशील होता है, ठीक है। डीजल जो है, अब जैसे कि आपको बताएं, डीजल कंबेशन स्ट्रोक इंजन होता है, पेट्रोल फायर स्टॉक इंजन होता है, वो जलता है, तो माइलेज में ये ज्यादा थोड़ा देगा, वो थोड़ा कम देगा, लेकिन दोनों की हार्स पावर सेम रहेगी 18 HP। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर सर प्राइस की बात करूं इसकी, क्या प्राइस अभी मिलने वाली है फार्मर्स को? देखिए ये 18 HP डीजल में सर जी ये मिलेगा 2,60,000, इसको कोई कंपेरिजन ना करें, और चैलेंज के साथ बोला पूरे भारत में, पूरे भारत में यह सिर्फ आई में कंपनी एग्रीकल्चर हमारी ही कंपनी में, मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, हाँ जी वो अपनी कंपनी का था, बिल्कुल हमारे कुछ हमारे बहुत प्रिय भाई हैं, हमारे भाई हैं, क्या भारत में क्या अकेले पॉसिबल नहीं पूरे भारत को मुझे डील करना, बिल्कुल सर, तो हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सगे भाई जैसे हैं, वो इस प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, उनको हम दे रहे हैं, वो हमारा काम कर रहे हैं, और वो ऐसा कुछ नहीं है, वहां से भी आप ले सकते हो, यहां से भी ले, क्योंकि हमारे वो परम मित्र हैं, हमारे भाई हैं, और पूरे भारत को कवर करना, जैसे कि आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में हमारा डिपो है, जम्मू एंड कश्मीर में हमारा डिपो है, ठीक है ना, अभी हम अयोध्या में हमारा एक डिपो है, एक गोरखपुर में डिपो हम ओपन करने जा रहे हैं, तो हमको सेल्स के बाद सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जगह जगह पे तो हमको अपनी शाखाओं का विस्तार करना पड़ेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बातें हैं, तो अगर आप कहीं देख रहे हैं तो वहां से भी किसान अगर देखें तो ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है जी, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल सर, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए मेरे तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो किसान भाइयों आज की जो ये वीडियो देखी आपने, फोर व्हील ड्राइव पावर वीडर की देखी, जो कि बैक रोटरी पे चलता है किसान भाइयों, और ये सेगमेंट जो है काफी अच्छा और काफी जबरदस्त सेगमेंट में आ जाता है, तो आप इसे जो है घर बैठे अगर बुकिंग करके मंगवाना चाहते हैं, तो जो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके घर बैठे बुकिंग करके आसानी से मंगा सकते हैं, और अपनी खेती बाड़ी को टेक्निकल और बेहतरीन बना सकते हैं। तो किसान वो मिलूंगा फिर से इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद, जय जवान जय किसान।